हाँ, शुरू करते हैं सीक्रेट 7 का एपिसोड 8। जंगल पार्टी के बाद स्पॉयल, पेंडुलम और गोस्ट लड़की एक साथ टेंट में सो रही थी। पेंडुलम बच्चे की आवाज सुनकर नींद से जाग जाती है और स्पॉयल को भी उठाकर आवाज सुनाती है। स्पॉयल और पेंडुलम देखती हैं कि एक छोटा बच्चा जो पोक का छोटा भाई था टेंट के अंदर आ रहा था। उसे देखकर पेंडुलम और स्पॉयल चिल्लाने लगती हैं। तभी पोक भी टेंट के अंदर आ जाता है और पेंडुलम को बताता है कि ये मेरा छोटा भाई है, जिसे सुनकर पेंडुलम बहुत हैरान हो जाती है। सुबह उठने पर पोक पेंडुलम को अपना भाई देकर आज उसके साथ बेबी सिटिंग करने को कहता है। पेंडुलम भी पोक की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। पोक पेंडुलम को कहता है कि तुम एक दिन बहुत अच्छी मॉम बनोगी पेंडुलम, और दोनों मिलकर पोक के भाई की देखभाल करने लगते हैं। पेंडुलम को अपने पैरों पर कुछ गर्म महसूस होता है और वह देखती है कि पोक के भाई ने उस पर पेशाब कर दिया है। पोक पेंडुलम पर हंसता है और अपने भाई को पेंडुलम की गोद से उठा लेता है। क्लब रूम में सब लड़के पोक के भाई के साथ खेल रहे थे। स्पॉयल पेंडुलम को कहती है, मुझे लगता है कि पोक ही इस बच्चे का डैड है, क्योंकि किसी का छोटा भाई उससे 20 साल छोटा नहीं हो सकता। पेंडुलम कहती है, नहीं, पोक ने मुझे कहा है कि वह उसका छोटा भाई है। कुछ देर बाद एलन टॉयलेट के लिए जाता है। वहीं एक लड़का आकर एलन की अपने फोन पर वीडियो बनाने लगता है। एलन उस लड़के को अपने वीडियो बनाते हुए देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। एलन उसे पकड़कर बहुत मारता है। लेफ्टोयल एलन की लड़ाई को देखकर क्लब रूम में सबको बाहर आने के लिए कहता है। नियो को बच्चे के पास बैठाकर सब एलन की मदद के लिए भागते हैं। लेफ्टोयल एलन से पूछता है, एलन क्या तुम ठीक हो? एलन कहता है, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरे साथ भी कभी ऐसा हो सकता है। वो कहता है, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है एलन। अगली सुबह यूनिवर्सिटी में टीचर को एलन की वीडियो के बारे में पता चल जाता है और वे यूनिवर्सिटी से एलन के सभी पोस्टर्स को हटवा देते हैं, जिसे देखकर एलन क्लब रूम में उदास बैठ जाता है। पेंडुलम एलन के पास आकर बैठती है और उसका मूड ठीक करने के लिए उसे स्नैक्स देकर उसकी पैकिंग खोलना सिखाती है। लंच करते हुए स्पॉयल पेंडुलम को कहती है कि एलन की वीडियो किसी के सामने नहीं आई, फिर भी टीचर ने एलन के सभी पोस्टर्स को हटवा दिया। पीछे से गोस्ट लड़की भी कहती है, मैंने भी इंटरनेट पर चेक किया पर एलन की वीडियो वहाँ पर भी नहीं थी। स्पॉयल पेंडुलम को बताती है कि मैंने ऑनलाइन ऐप पर अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है और मैं जल्द ही उससे मिलने वाली हूँ। पेंडुलम स्पॉयल को कहती है, स्पॉयल तुम ध्यान से उस लड़के से मिलना, क्योंकि आजकल हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। दूसरी ओर प्ले से मिलने उसकी एक फ्रेंड आती है और उसे ब्रेकअप करने को कहती है। प्ले कहता है, मैंने तुम्हें कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं समझा, तो हम ब्रेकअप क्यों करें? वह लड़की कहती है, लेकिन मुझे लगा था प्ले कि हम लोग कपल हैं, और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। पेंडुलम लेफ्टवेल के साथ लेफ्टवेल की मॉम के ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल आती है। पेंडुलम लेफ्टवेल को कहती है, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी मॉम का ऑपरेशन जरूर ठीक हो जाएगा। रात में प्ले की लड़ाई उसके पब के मालिक से हो जाती है और पब का मालिक उसे जॉब से निकाल देता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर लेफ्टवेल और पेंडुलम को बताते हैं कि लेफ्टवेल की मॉम का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। लेफ्टवेल बहुत परेशान था और पेंडुलम को कहता है, पेंडुलम क्या मैं तुम्हारे सामने रो सकता हूँ? पेंडुलम लेफ्टवेल को अपने गले लगा लेती है और लेफ्टवेल बहुत रोता है। घर जाने पर पेंडुलम की मॉम पेंडुलम से लेफ्टवेल की मॉम के बारे में पूछती है। पेंडुलम बताती है कि अब लेफ्टवेल की मॉम बिल्कुल ठीक है। पेंडुलम घर में एड को बैठा हुआ देखकर उसके पास जाती है। एड पेंडुलम को उसके साथ गन की शादी में चलने को कहता है। पेंडुलम कहती है, मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। स्पॉयल अपने ऑनलाइन ऐप के बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए मॉल में जाती है और स्पॉयल के पास उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है कि वह मॉल में पहुंच चुका है। तभी स्पॉयल को पेंडुलम की कही हुई बातें याद आती है और वह अपने ऑनलाइन ऐप के बॉयफ्रेंड से मिले बिना ही वहां से जाने लगती है। स्पॉयल को उसका ऑनलाइन बॉयफ्रेंड लिफ्ट में जाते हुए देख लेता है। स्पॉयल बहाना बनाती है कि मेरा पेट कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं घर जा रही हूँ। उसका बॉयफ्रेंड कहता है, चलो स्पॉयल मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। स्पॉयल कहती है, नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और डेट पर चली जाती है। रात में पेंडुलम एड के साथ गन की शादी पर चली जाती है। गन पेंडुलम और एड को बताता है कि उसकी वाइफ उनकी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है और उनके साथ फोटो भी खिंचवाता है। पेंडुलम गन को अपने सामने से शादी करते हुए जाता देखती है। शादी होने पर गन पेंडुलम को अकेला बैठा हुआ देखकर उसके पास जाता है और पेंडुलम को कहता है कि मैंने एड के कारण तुमसे दूर होने का फैसला लिया था। पेंडुलम कहती है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? गन कहता है, क्या तुम्हें एड की तुम्हारे लिए फीलिंग्स का नहीं पता है? और पेंडुलम को बताता है कि जब वह पेंडुलम को पसंद करने लगा था, तब एड ने स्कूल में गन को कहा था कि तुम पेंडुलम को अगर सच में पसंद करते हो और उसे अच्छे से रखोगे तो मैं तुम्हारे बीच से हट जाऊंगा। गन पेंडुलम को बताता है कि जब उसने पेंडुलम को रिजेक्ट किया था तब वह सच में पेंडुलम को बहुत पसंद करता था। तभी उनके पास एड आ जाता है और गन वहां से चला जाता है।
एड पेंडुलम को छोड़ने के लिए उसके घर जाता है। पेंडुलम एड को देखते हुए याद करती है कि किस तरह एड जरूरत होने पर उसकी हमेशा मदद करता है। घर जाने पर पेंडुलम के पास स्पॉयल का फोन आता है और उसे मिलने के लिए वह पेंडुलम के घर आती है। स्पॉयल पेंडुलम को बताती है कि आज वह अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर गई थी और उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग आई। पेंडुलम स्पॉयल को परेशान देखकर स्पॉयल को कहती है, स्पॉयल तुम परेशान मत हो, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। और स्पॉयल को बताती है कि मुझे लगता है कि मैंने स्माइली बियर को ढूंढ लिया है। स्पॉयल कहती है, मुझे जल्दी बताओ कौन है स्माइली बियर। पेंडुलम कहती है, मुझे लगता है कि वह एड है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एड के घर पर भी स्माइली बियर का पेंडुलम को दिया हुआ जैसा टेडी बियर है और वह भी पेंडुलम की तरह पुराने गाने सुनने पसंद करता है। स्कूल के समय एड हमेशा पीछे से पेंडुलम और गन को एक साथ घर जाते हुए देखता था। जब भी वह क्लास में पेंडुलम से बात करने की कोशिश करता था तब वह पेंडुलम और गन को एक साथ बैठा देखता था और उसने गन को कहा था कि वह अगर सच में पेंडुलम को पसंद करता है और उसे खुश रखेगा तो वह उनके रास्ते से हट जाएगा। और फिर एक दिन गन ने पेंडुलम को रिजेक्ट कर दिया, तब भी वह पीछे से सब देख रहा था। तो दोस्तों हो सकता है कि एड ही स्माइली बियर हो। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे मिलते हैं एपिसोड 9 में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।